हेलो दोस्तों, तो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में आज डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और पूरा जो जैकपॉट मूवमेंट होता है ना, ये सब जो जैकपॉट मूवमेंट मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पूरा शेयर करके बताया, यहाँ पे ट्रैप भी क्लियर बताया, तो इस टाइप का बड़े मूवमेंट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इस टाइप के बड़े बड़े मूवमेंट देखिए, ये आवरली चार्ट है निफ्टी का, और इस टाइप के बड़े बड़े मूवमेंट मैं आपके साथ कैप्चर करने के लिए जो भी एनालिसिस है शेयर करता हूँ। हमारे एनालिसिस के अनुसार यहाँ पे देखिए, ये सब लेवल पे पूरा सेलिंग एक्टिवेट हो गया था, और पूरा मैंने आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर सब कुछ यहीं पर शेयर कर दिया है। तो 700-800 पॉइंट का निफ्टी में जबरदस्त मूवमेंट और एक ही डायरेक्शन में क्लियर कट। देखिए इस टाइप का क्लियर कट कभी भी मूव मिलेगा तो उसे अगर हम पकड़ ले रहे हैं तो इतनी अच्छी बात होती है कि अगर आप उसको सही से करेंगे तो काफी जैकपॉट इसमें बनता है, आप देख रहे हैं ना। क्योंकि देखिए ये सब चीजें हैं बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, और यहीं पे मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस शेयर किया था, वो चीज अभी आपको रिकैप में बता रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट गिर रहा है, गिरते जा रहा है, लगातार सेलिंग में ही हम, और क्लियर कट हर दिन के वीडियो में यही डिस्कस कर रहा हूँ कि सिर्फ सेलिंग में ही रहना है। अभी देखिए स्ट्रेच हो गया है, अब इसके बाद क्या होगा वो सब बाद का एनालिसिस है, वो मैं आपको जो डिटेल्स में एनालिसिस जो डेली का होता है उसमें बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग पे है कि अगर कोई आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके बाद अगर आप ट्रैप हो जाते हैं या फिर कोई बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आता है और हम ट्रेड को इमीडिएटली रिवर्स करते हैं और उसमें जैकपॉट प्रॉफिट बनता है। और यही चीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, जब हमारा रिवर्स पोजिशन कब हुआ, यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए पूरा जबरदस्त मूवमेंट हमें मिला। ठीक है, ऐसे हमने यहीं पे पूरा एनालिसिस डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सिनेरियो हो सकता है और हुआ, उसके बाद हमने उस अकॉर्डिंग एक्शन लिया, आपके साथ शेयर किया। अब देखिए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसको समझिए। अब देखिए एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक करेक्शन फेज आया। इस करेक्शन फेज के बाद जनरली होता है कि आपका इस टाइप से ऊपर की तरफ धीरे धीरे प्राइस या फिर स्पीड में ऊपर की तरफ यहाँ करेक्शन खत्म करके निकल जाता है। ठीक है, कई बार आपका ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होके आपका यहाँ से इस टाइप से ट्रैप करेगा और यहीं से गिर जाएगा मार्केट, आपका एक ब्रेकआउट देगा, फेल करेगा और गिर जाएगा। तो इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। यहाँ पे देखिए इस टाइप से नीचे की तरफ भी हो सकता है कि एक ब्रेकडाउन देगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद देखिए ट्रैप हो गया और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया। अब ये जो मूवमेंट है कई बार देखिए यहाँ पे फेल हो गया मूवमेंट, फिर वापस नीचे आ गया, तो इसमें क्या हुआ कि हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें उतना ज्यादा, यहाँ से जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ वाला ट्रेड मिला उसमें प्रॉफिट हो गया जबरदस्त। तो ऐसा है कि आपको हर एक ट्रेड में बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको पोजीशन को उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आवरली चार्ट में इस टाइप का जब ट्रैपिंग का सिनेरियो कब बना, जब मार्केट देखिए यहां से इस टाइप से बाइंग में आ रहा था, हमने बाइंग भी डिस्कस किया, पूरा बाइंग में थे, सुपर बुलिश मूड में थे कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे ये थका, जैसे ही ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट फेलियर का कैसे पकड़ा जाता है उसको समझिए। जैसे कि देखिए पूरा ये ब्रेकआउट हो गया, सारा लेवल जो भी था सब ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे या तो आपको कैंडल स्टिक के रिवर्सल के फॉर्मेशन बनेंगे या फिर आपको चार्ट पैटर्न बनेंगे। चार्ट पैटर्न बनते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा, ऐसे कैंडल्स भी करता है, लेकिन कैंडल्स काफी अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, और कैंडल्स के थोड़ा सा वो होता है कि उसकी एक्यूरेसी थोड़ा कम होती है, लेकिन जब चार्ट पैटर्न बनता है, यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट का फेलियर। तो जब ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, इसका पूरा वीडियो जाके आप चेक कीजिएगा, जब मार्केट यहाँ था तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अभी ये सब रिकैप मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस पैटर्न का यहाँ पे टारगेट आना चाहिए, टारगेट आया, इस पैटर्न का टारगेट तक हम वेट करेंगे कि चलिए फेलियर है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमारा बाइंग वाला ही लेवल था तो उसमें भी हमें ज्यादा टेंशन नहीं होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे वापस ये ब्रेकडाउन देने लगता है और यहां से हमारा फ्रेश ट्रेड इनिशिएट हो जाता है सेलिंग का, और ये जो ऊपर वाला पोजीशन जो भी था इसमें से पूरा एग्जिट हो जाता है 100%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे या तो हेजिंग के साथ नया ट्रेड नीचे की तरफ या फिर जो ऊपर था उसको, देखिए कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बाइंग वाले ट्रेड करते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया सर, एग्जिट हो जाइए, आराम से बैठिए, मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो इस टाइप के बड़े पैनिक मूव को ही पकड़ने में जिनको मजा आता है और आना चाहिए ट्रेडर को, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जबरदस्त पैनिक मूव क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग बाइंग में थे, यहाँ पे बाइंग में थे, लेकिन बाइंग वाले क्या हो गए कि उनका वापस से उनका कॉस्ट पे आ गया प्राइस, उनको लॉसेस होने लगे, तो ये क्या करेंगे कि ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे और अपना पोजिशन को छोड़ के हट जाएंगे, फेंक देंगे पोजिशन को। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये क्या होगा कि बड़ा लॉस उनको इधर अगर दिखने लगेगा तो उनको और डर लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पकड़ लिए, ठीक है, उसके बाद जो ट्रेंड देखिए, क्योंकि यहां से क्या होगा कि ट्रैप होगा चाहे कुछ भी होगा, एक ट्रेंड हमें पकड़ना है ना, और ट्रेंड पकड़ने का मैं आपके साथ बार बार डिस्कस करता हूँ कि फॉर्मूला क्या है, 9 EMA 20 EMA 9 EMA 20 EMA कैसे, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन का
जब भी अगर 9 EMA के पास आता है, 20 EMA के पास आता है, ऐड करते जाना है सेल ऑन राइस इस टाइप से। और जो सेलिंग का मार्केट होता है उतना ज्यादा ऐड वर्ड करने का मौका नहीं देता है। आपने एक बार पोजीशन बना लिया, इतना अच्छा प्रॉफिट दे देता है कि उसी को अगर आप होल्ड करेंगे तो कम क्वांटिटी में ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उतना ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होती है, पूरा मार्केट पैनिक में होता है। और इस टाइप का जो सेलिंग वाला मार्केट होता है वो बहुत कम बार मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है, और जब भी मिलता है तो इस टाइप का ट्रैप होकर ही मिलता है। आप जरूर देखिएगा कहाँ पे मिलता है, हर जगह मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ जहां जहां भी मिलता है, और बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस टाइप का ट्रैप ट्रेडिंग मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप भविष्य में किसी भी प्रकार का इस टाइप का सिनेरियो बनता है तो उसके लिए आप तैयार रहे, समझे, और इस टाइप का चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें। देखिए चार्ट पैटर्न है कहाँ पे कब ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर पे आपका पैटर्न बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा, बहुत एक स्टीप मूव नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे बनेगा, उसके बाद काम करेगा। तो एक अलग अलग सिनेरियो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कट चार्ट पैटर्न का यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल आया। अब देखिए इस पैटर्न के हिसाब से टारगेट बहुत स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रख के हेजिंग वाला ट्रेड लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है। तो इसमें क्या होगा कि इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर आ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, इस टाइप से आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए ट्रैप ट्रेडिंग को समझने के लिए आपका ये है कि आप क्वांटिटी को कम भी रखेंगे और थोड़ा सा आप सही डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो आपको 10 में से 5 ट्रेड आपको जबरदस्त मूवमेंट देंगे, और 5 में आपको किसी प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा, किसी में कम प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए ये बाइंग वाला ट्रेड में कम प्रॉफिट हुआ, किसी में लॉसेस भी हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से बाय करेंगे और नीचे आ जाएगा तो उसमें लॉसेस भी होंगे। तो इस टाइप को सिनेरियो को समझिए और ट्रैप ट्रेडिंग को अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये ट्रैप ट्रेडिंग कई बार आपको एक जैकपॉट देके जाता है जो कि आपको बहुत दिनों का जो प्रॉफिट है वो आपको अचानक से मिल जाता है।